चलिए टिकट कटाते हैं और बैठने की हिम्मत करते हैं, चूँकि हाइट से डर लगता है, बाकी और कोई बात नहीं। जय माता दी। इस समय हम आ गए हैं मिर्जापुर में और अष्टभुजा भवानी माता के मंदिर के पास जा रहे हैं। सामने से जो रोड आ रहा है, ये रोड विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के धाम से आ रहा है और वहाँ से करीब करीब 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ पर अष्टभुजा भवानी का मंदिर है। तो यही वो गेट है जो हमारे पीछे, इसी गेट से अंदर चलते हैं और अष्टभुजा भवानी का दर्शन आपको करवाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हम पता किए हैं तो लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 200-300 मीटर अंदर होगा, तो आइए देखते हैं कितना दूर है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं है कितना दूर। यहाँ पर देखिए वाहन स्टैंड अष्टभुजा परिक्षेत्र रेट लगा हुआ है। बड़ी गाड़ी जो है कि ट्रक 50 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया सब है, और ये जो है कि प्रमुख गेट है। ठीक है, तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर आप जैसे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर झोपड़ी ओपड़ी है, लोग रहते हैं रोड साइड में, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि विंध्याचल अभी गए थे माँ विंध्यवासिनी के धाम पर, वहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम अष्टभुजा भवानी के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह माँ का पावन धाम, आप देख रहे हैं किस प्रकार से खूबसूरत आवाज़ पीछे से आ रही है चिड़ियों के चहचहाने की, और यह लेडीज़ पर्स और साथ ही साथ यहाँ पर चूड़ी बिंदी सिंदूर की दुकानें भी लगी हुई हैं। बस थोड़ी दूर और है मंदिर माता अष्टभुजा का, थोड़ी दूर और है। यहाँ पर देखिए हर सामान 10 रुपया 20 रुपया लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पूरा पुष्प वगैरह लाई सब कुछ रखा गया है, प्रसाद खरीद के चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अष्टभुजा मंदिर का एक बोर्ड लगा हुआ है, माँ अष्टभुजा दर्शन हेतु रोपवे से जाने का मार्ग, तो लग रहा है कि अब आ ही गए हैं। सामने खूबसूरत एक गायत्री माता का मंदिर है और उसके बाद यह सीधे रास्ता सीढ़ियों के द्वारा चला जाएगा, और ये जो राइट साइड में ये जो रास्ता जा रहा है कच्चा रोड है, यह जाएगा रोपवे की तरफ। इस समय हम उस रास्ते पर हैं जो माँ अष्टभुजा के मंदिर तक जाएगा, तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये रोपवे वाला रास्ता है, जैसा कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि इधर से रोपवे वाला रास्ता है, तो इधर हम आ गए हैं। चूँकि वहाँ से जाएंगे तो आप सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं, तो दो ऑप्शन है, सीढ़ी तो जनरली चढ़ के जाते ही हैं, रोपवे पर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कि ताकि आपको भी बता सके कि रोपवे का टिकट कितना का है, यानी कितने रुपए का टिकट लगता है अष्टभुजी भवानी तक जाने के लिए रोपवे से, तो उसमें आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना एक्साइटमेंट हो सकता है। और इस प्रकार की जगहों पर आने का जो सबसे बड़ा आनंद होता है, यही सब होता है। देखिए पहाड़ी और ये शांति प्रिय स्थान है ना, इतना फेमस होने के बावजूद भी यहाँ पर शांति यानी कि पीसफुल महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की गोद में बिल्कुल आ चुके हैं। आप देखिए वो रोपवे जो कि हमारे पीछे या आपके सामने कह सकते हैं किस प्रकार से जा रहा है, हालांकि खाली ही जा रहा है, कोई है नहीं, और देखेंगे तो हालाँकि मुझे तो अभी देख के ही डर लग रहा है, इतना हाइट पर है, बैठने की कोशिश उसमें शायद ही कर पाएँ, है ना, हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ से वो इंजन बनाया गया उसका देखिए स्टेशन है, और उस स्टेशन से बैठ करके आप जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे डर लगता है हाइट से, पानी से, है ना, पानी से भी डर लगता है। देखिए एक को जो उधर से आ रहा है ना, उसमें लोग बैठे हुए हैं, बट इधर से जो जा रहा है वो खाली जा रहा है। अच्छा, रोपवे लग जाने से ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, या औरतें हैं जो असमर्थ हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, वो रोपवे के माध्यम से ऊपर जा सकती हैं। और यहाँ पर उसका लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टिकट घर जाने का मार्ग यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए चलते हैं, पता करते हैं कितने का टिकट है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उससे चले या ना चले, है ना, थोड़ा सा रिस्की है, मतलब डर लगता है, और कोई बात नहीं। उसमें एक आगे वाला खाली है, पीछे वाला भी खाली है, बीच वाले में बच्चे हैं, देखो टाटा कर रहे हैं बाबा।
ये देखिए हमारे पीछे से रोपवे जा रहा है और इस प्रकार से चक्री लगी हुई है इसमें। हम पता किए तो 70 रुपये का टिकट है आने का और जाने का, दोनों का मिला करके 70 रुपये का टिकट है। तो चलिए टिकट कटाते हैं और बैठने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हाइट से डर लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो टिकट खिड़की की तरफ चलते हैं। ये इधर जब रोपवे की तरफ आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ से ऐसे हो करके और टिकट घर वहाँ पर है, देखिए वहाँ पर है टिकट घर, ठीक है। तो वहाँ पर चलते हैं, 70 रुपये में टिकट कटवाते हैं और उसके बाद बैठेंगे तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखिए 40 रुपये का टिकट मिला है हमें यहाँ पर। चूँकि बात ये हो गई ना कि अगर आप सिर्फ जाते हैं तो 40 रुपये देना पड़ेगा, और जाते हैं और आते हैं मतलब आने जाने दोनों का 70 रुपया। तो हमने ये डिसाइड किया है कि भैया हम जाएंगे रोपवे से और आएंगे सीढ़ी से, क्योंकि हमारा 30 रुपया बच भी जाएगा और इधर रोपवे का भी मज़ा ले लिया जाएगा, उधर सीढ़ी से भी मज़ा ले लिया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए चक्री घूमती है तो ये आगे पीछे जाता है, और यह हम लोगों का बॉक्स आ गया, 3 ठो एक बार में जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। ये पहला एक्सपीरियंस है लाइफ में, पहली बार रोपवे में बैठे हुए हैं और यह धीरे धीरे अब ज़मीन से ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी डर भी लगता है हमें हाइट से। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा, कोई दिक्कत होगा तो संभाल लीजिएगा। और अभी धरती माँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और चूँकि गेट बंद हो गया है, एक लोग मतलब इस बॉक्स में 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे इस बॉक्स में सिर्फ 2 लोग ही हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है और बहुत ऊंचाई पे आ गए हम लोग, ऐसा फील हो रहा है ना, एक मिनट यार, हाँ ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के और देख रहे हैं नीचे। ये देखिए घर द्वार पीछा सब दिख रहा है ना, ये बगल से वो जा रहे हैं, देखिए ये लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। और 40 रुपये में अगर आप थोड़ा सा हेलीकॉप्टर वगैरह वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर, ज़रूर आइए, ज़्यादा महंगा नहीं है, लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। और जब मुझे हाइट से इतना ज़्यादा डर लगता है फिर भी मैं इस चीज़ को फेस कर पा रहा हूँ, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सामने मंदिर एक छोटा सा है और उसके बाद अष्टभुजी माता का मंदिर आएगा। आई दादा, जब यह रुका तो लग रहा है कि अब नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सामने स्टेशन आ गया है, लग रहा है कि यह दूरी अब कंप्लीट कर लिए हम। जब थोड़ा सा रुका है तो डर महसूस हुआ है कि ये क्या हो गया, लेकिन पहुंच गए अपने गंतव्य तक। चलते हैं यहाँ से, हम लोग करते हैं, जय माता दी। चलिए माँ का दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की नजर। अभी हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और मंदिर जो है कि सीढ़ी सीढ़ियों से होकर के नीचे की तरफ मंदिर है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे जा रहे हैं। उनको समझा दिए पॉइंट पे कि बढ़ते रहो, रुको हम लोग के लिए, और हम लोग किस किस से पहुंच जाए तो बोल बने एक तरफ खाली स्पेस था ना इधर, कहाँ गया, अब बन गया ना, कभी नहीं आए। भैया आप लोग हमको थोड़ा सा आगे निकलने दीजिए, थोड़ा साइड, ओ दीदी थोड़ा साइड हो जाइए। चलिए तो हम अब भीड़ से थोड़ा सा निकल के आगे आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए चुनरी वगैरह खरीदने के लिए आप अपना स्लीपर वगैरह इन लोगों के शॉप पर उतार सकते हैं, जैसा कि ये कह भी रहे, लेकिन हमें आगे निकालना है, आगे भी आपको जगह मिलेगी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ सीता कुंड मार्ग, यहीं से 300 मीटर की दूरी पर है नीचे। फिलहाल हम लोग माँ का दर्शन करेंगे, हम अपना शूज यहीं पर उतार दिए हैं और यहाँ से अंदर चलते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। यहाँ से जाते हैं, सामने घंटा लगा हुआ है, घंटा बजाते हुए अंदर चलेंगे। हालांकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सकेगा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ श्री अष्टभुजा देवी नमः, ओम श्री अष्टभुजा देवी नमः, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बगल में यह बजरंग बली का खूबसूरत मंदिर और यह है प्रवेश द्वार। तो फिर दर्शन करने के बाद हम आपसे मिलेंगे, चलिए एक्सपीरियंस बताएंगे, फिलहाल दर्शन कर लें। अभी जस्ट अंदर से दर्शन करके आ रहे हैं, यहाँ पर विभूति लग गया है और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर काफ़ी सीन नहीं लिए हैं। अंदर आपको ऐसे लटक के जाना है, एक गुफा है
और अंदर माँ का दर्शन करके फिर लटके लटके ही आ जाना है, क्योंकि गुफा की हाइट बहुत छोटी है, आप खड़े वैसे भी नहीं हो सकते और माँ के सामने झुककर ही पेश आने में सही लगता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता।